गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम विश्व श्रीवास्तव है और मैं गणेश डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करता हूँ एज ए रेडियोग्राफर। आज हम बात करेंगे IBP के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राम, और इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, जिसके लिए हमें पेशेंट को बुलाना पड़ेगा उसका कंसेंट फॉर्म बनने के बाद। सबसे पहले पेशेंट आएगा तो उसकी हमें डिटेल लेनी होती है, उसके लिए हमें एक कंसेंट फॉर्म भरना होता है और पेशेंट की रिपोर्ट चाहिए होती है। कंसेंट फॉर्म लेने के बाद हम पेशेंट का यूरिया और क्रिएटिनिन चेक करेंगे, जो कि नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अब हम पेशेंट को चेंजिंग के लिए बोलेंगे, ताकि कोई मेटल का पार्ट ना रहे और हमें टेस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम पोजीशनिंग बनाएंगे जब तक पेशेंट चेंज करता है। डिटेक्टर को हम अटैच कर लेंगे मशीन से, ताकि वो एक्टिव हो जाए। सिंपल प्रोसेस। अभी हम ये पेशेंट को कैनोला लगाने जा रहे हैं, जिससे हम कंट्रास्ट पुट कर सकें उसमें। पेशेंट को लेटाएंगे सुपाइन पोजीशन में। कैनोला लगाने के बाद हम उसको प्लेन पिक्चर लेंगे। हम लाइकल पे पैरामीटर सेट करेंगे, ताकि उनका एक प्लेन स्कैन आ सके। पेशेंट को सांस रुकवा के अच्छे से, और फिर उसके बाद हम एक एक्सरे करेंगे। अब पेशेंट को हम बोलेंगे कि एक सांस अच्छे से भर के रोके, और ताकि हम एक प्लेन स्कैन ले सकें। अब हमने एक प्लेन स्कैन ले लिया है, और उसके बाद हमने इसका देखा है इनके स्टोन आ रहे हैं। प्लेन स्कैन लेने के बाद आप देख सकते हैं, अब हम स्कैन चालू कर सकते हैं। अब अपने इसमें हम कंट्रास्ट डालेंगे, जो नॉन आयोनिक कंट्रास्ट होता है हमारा यूरोग्राफिन। अब इंजेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं कि 5 मिनट का लेंगे इसके बाद स्कैन डालने के बाद। पेशेंट को हम अब एक टेस्ट डोज देंगे, जो कि 2 ml की होगी। उसके बाद हम थोड़ा वेट करेंगे 2 मिनट का, ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। पेशेंट को 2 मिनट हो गए हैं, उसके बाद हम पेशेंट से पूछेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हम पूरा कंट्रास्ट 20 ml को इंजेक्ट करेंगे। 40 ml कंट्रास्ट इंजेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद हम 5 मिनट वेट करेंगे। 5 मिनट के बाद हम एक स्कैन करेंगे, जिससे हम देख सकते हैं कि किडनी में कंट्रास्ट आया है या नहीं आया है, या डिले फंक्शन आ रहा है। 5 मिनट के बाद हमने स्कैन किया है, आप देख सकते हैं कंट्रास्ट किडनी के अंदर आ चुका है, राइट साइड किडनी में, लेफ्ट साइड किडनी में। उसके बाद हम और 10 मिनट्स का लेंगे। 10 मिनट्स वेट करने के बाद हम एक स्कैन और करेंगे। ये 10 मिनट का स्कैन है। 10 मिनट में आप देखेंगे पूरा यूरेटर से लेके ब्लैडर तक नीचे तक जा रहा है, राइट साइड में प्रॉपरली आ गया है, और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा है, वो 15 मिनट के स्कैन में आ सकता है। ठीक है, 15 मिनट का हम स्कैन ले चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंट्रास्ट दोनों तरफ अच्छे से आ रहा है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, 15 मिनट का लेंगे। 15 मिनट के बाद हम 20 मिनट का लेंगे, फिर उसके बाद फॉलो करेंगे पेशेंट को। ठीक है, अब हमने 20 मिनट का स्कैन ले लिया है, 20 मिनट में पूरा ब्लैडर तक आ गया है। किसी किसी पेशेंट में ऐसा भी होता है कि डिले लेना पड़ता है हमें, और लंबा प्रोसेस चलता है हमें, कभी कभार फॉलो अप करना पड़ता है, 3 घंटे का भी लेना पड़ता है, 4 घंटे का भी लेना पड़ता है, कभी कभार ऐसा होता है 12 घंटे भी लग जाते हैं, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें 24 आवर्स बाद पेशेंट को दोबारा बुलाना पड़ता है, ताकि हम किडनी के फंक्शन देख सकें। ये हमारा पूरा टेस्ट था IBP, और कंप्लीट हो चुका है। अब हम पेशेंट को रिपोर्ट के लिए नेक्स्ट डे के लिए बोल सकते हैं। थैंक यू।